सर, उद्योग विभाग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अब प्लेस पार्क का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बहुत निवेश को देखते हुए और विभिन्न जिलों में औद्योगिक भूखंडों की कमी को देखते हुए निजी क्षेत्र के उद्यमियों विकासकर्ताओं द्वारा एक प्लेस पार्क स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें निजी क्षेत्र के विकासकर्ता उद्यमी जो है न्यूनतम 10 से अधिकतम 50 एकड़ के बीच में प्लेस पार्क उसमें स्थापित कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट DM सर्कुलेट का 90% अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ उद्यमी को विकास के लिए मात्र 1% के साधारण ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराएगी और 3 साल विकासकर्ता उसे डेवलप करने के बाद 4th, 5th, 6th साल उस पैसे को वापस करेगा और उसमें गवर्नमेंट ने तमाम सुविधाएं जो उसमें उद्यमी MSME इकाइयाँ जो लगाएंगे उनको भी जो हमारी तमाम छूटें हैं स्कीम की वो उनको प्रदान की जाएगी। तो निसंदेह इससे अभी हमारे प्रदेश में 3 जगह का पास हो चुका, सहारनपुर, कानपुर देहात और एक जगह और है हमारा। उसके अलावा कई प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में है जो जिसकी मीटिंग होने जा रही है। फिर इसी तरह हमारे 75 जिलों में प्रथम चरण में ये प्लेस पार्क की स्थापना जाएगी। निश्चित तौर पर इसमें हमारे जो बहुत से उद्यमी हैं जिनको जमीन का अभाव है और नहीं मिल पा रही, उसकी संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सर कानपुर में कहाँ लाने की योजना है? कानपुर एक्चुअली में आप जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति ये है कि KDA का बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे जमीनों का अभाव है। फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कई जगह बात चल रही है, उद्यमी लगे हुए हैं। तो हम जैसे ये साड़ एरिया है जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर हमारा है, उसके अगल बगल भी चाहते हैं कि डिफेंस पार्क बने हमारा निजी क्षेत्र का, जिसमें सलरीज इकाइयाँ, या फिर हम हाईवे पे इधर सचिंडी है, इधर नरवल की तरफ सरसौल है। तो हम लोग लगे हुए हैं, निरंतर वार्ता हो रही है और जल्दी हम लोग 1-2 प्रस्ताव यहाँ से पास करेंगे। ठीक है सर, हम तो बात करें, आपसे बहुत धन्यवाद।